Hey there guys, I'm Yamesh Devgan and you're watching Mix Up The World. और गाइस क्या हाल है सबके। तो याद है पिछली वीडियो में, अगर पिछली वीडियो नहीं देखी तो ये जाके देखो, यहाँ कहीं मिल जाएगी। और अगर पिछली वीडियो देखी है तो याद होगा उसमें मैंने कहा था कि अगर आपको एटमॉस्फेयर लाइट लगानी है तो कैसे लगानी है, मैं अगली वीडियो में सिखा दूंगा। तो ये है अगली वीडियो, छोटी सी वीडियो बनानी है, बिल्कुल क्रिस्प सी, बिल्कुल नॉलेज बेस्ड कि भाई कैसे काम करना है, कैसे इंस्टॉल करनी है। अब मैं बताता हूँ ये वीडियो बनाने का पर्पज़ क्या है, क्यों बनाने का मन करा मेरा। तो मैंने अभी लगाई है ना, ये मैंने अमेजोन से खरीदी, फ्लिपकार्ट से खरीदी थी। इससे पहले भी थी मेरे पास एक, इसी में लगी, पर वो ये मैं दो हफ्ते की बात बता रहा हूँ, सिर्फ अभी तक आज प्रेजेंट डे से लेके पिछले 14 दिनों की। तो हुआ क्या कि मैंने, अगर कहानी नहीं सुननी तो इस पॉइंट पे स्किप कर लो, इंस्टॉलेशन दिख जाएगी, बाकी किसी ने कहानी सुननी है तो सुनो। हुआ क्या था कि मैंने सेक्टर 14 से लगवाई ये एटमॉस्फेयर लाइट, वो लगी 700 रुपये की, ठीक है। और सेम मेरे दोस्त ने लगवाई थी, वो लगी 800 रुपये की, उसकी बड़ी गाड़ी है, ठीक है। तो दोस्त कौन है, वो ही चिंटू जो पिछले व्लॉग में तुमने देखा था। अगर वीडियो नहीं देखी वैसे जाके देख लो, पता लग जाएगा किसी बारे में बात कर रहा हूँ। तो अब उसने भी लगवाई, ठीक है। तो हुआ क्या कि ना, जो मेरी वाली थी आइटम वो लगी 700 रुपये की, ठीक है, कोई बात नहीं, तो है चाइनीज़ आइटम, ठीक है, जो है सो है। पर हुआ क्या कि ना, वो 2 दिन में ख़राब हो गई, फ्यूज़ हो गई, ना उसकी गारंटी वारंटी रिप्लेसमेंट पॉलिसी कुछ नहीं, वही चाइनीज़ आइटम वाली बात, जो कहावत नहीं चलती, चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक, नहीं ना चले तो शाम तक, चले तो चांद तक, वही वाली बात हो गई। तो फिर उसके बाद फिर मैंने क्या करा, मैंने सोचा कि मैं कहीं अमेजोन वगैरह पर, फ्लिपकार्ट पर चेक करता हूँ। तो फ्लिपकार्ट मेरे को मिली गो मकैनिक, ठीक है, रेप्यूटेड ब्रांड है थोड़ा सा व्हीकल्स के मामले में। तो मैंने उस पर चेक करा, मेरे को सेम बत्ती, सेम चीज़, और मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, उस पर मतलब लिखा था कि मैन्युफैक्चर्ड इन चेन्नई है। और मैं कौन से वाले की बात कर रहा हूँ अभी दिखा देता हूँ, और मैं बात कर रहा हूँ इस वाली की, ये है 321 रुपये, ठीक है। तो बात ये 300 रुपये की आइटम, ठीक है, हमने अब इतनी तो है नहीं, ये चीज़ हैवी कि भाई हमें बाहर से लगवानी पड़ रही है, खुद नहीं लगा पा रहे। तो मैंने क्या करा, मैंने खरीदी, खुद लगा दी। अब मैं आपको वो दिखाऊंगा कि आप पैसे कैसे बचा सकते हो, इंस्टॉल कैसे कर सकते हो, लिटरली 5-7 मिनट का काम है। और ये सोचे 400-400 रुपये इस चीज़ के छाप रहे हैं, कोई ना, एंड तक देखो समझ आएगी। और हाँ, मैं एक बात और बोल देता हूँ, हाँ ठीक है कि अच्छी चीज़ है, अपनी गाड़ी पर खुद काम करना, थोड़ा ना समझ के करना कि तुम क्या करने लगे, क्योंकि कोई चीज़ डैमेज होगी फिर ये मत करना कि भाई यमेश ने कहा था हमारा तो चीज़ सड़ गई, ठीक है, वो नहीं लेता मैं जिम्मा किसी चीज़ का, भाई तुम्हारी चीज़ ख़राब होगी तो वो तुम्हारे सिर पे ही है। पर हाँ, मेथड सही बताऊंगा कि चीज़ें कैसे करनी है। सबसे पहले एक चीज़ मैं बोलता हूँ, अगर तुम गाड़ी में कभी भी इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड काम कर रहे हो ना, अपनी बैटरी के टर्मिनल्स डिस्कनेक्ट कर लो। मैं नहीं करने लगा तो मैं सजेस्ट करूँगा कर लेना, ठीक है, ओके, काम स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले क्या क्या आइटम्स की नीड पड़ेगी, सिर्फ 4 चीज़ों की, एक इलेक्ट्रिक टेप, एक डबल साइडेड टेप, 3M की लोग तो ज़्यादा बेटर है, एक वायर कटर, और कोई किसी भी किस्म की टॉर्च, क्योंकि नीचे पाँव के वहाँ काम करना है। तो प्रोबेबिलिटी ये है कि भाई तुम जहाँ पे देखो वहाँ पे अंधेरा हो, ना कर सको तो दिक्कत है, ठीक है, कोई बात नहीं, इतनी खास कोई मारामारी है नहीं। अगर लगा ली है तो वो चलेगी कैसे, 2 तरीके होंगे। पहले सबसे पहले एक स्टेप 1 दिखा देता हूँ मैं कि किस तरीके से करने, पर करना मत ये वाला। सबसे पहले तुमने क्या करना है, अगर तुम भी कड़ा, अंगूठी, कुछ भी किसी भी किस्म की चीज़ें पहन लेते हो ना, इनको तो दो उस टाइम के लिए उतार, वरना तो अपनी गाड़ी पे और चीज पे स्क्रैच मारोगे तो दोनों चीजें खराब होंगी, फायदा कुछ नहीं, ठीक है। अब ये इंस्टॉल कैसे होगी, जो है सबसे पहले ये जो वायरिंग, ये जो एलईडी स्ट्रिप्स हैं, ये 4 के सेक्शन में आती हैं, चारों सीट के लिए, ठीक है, और डबल साइडेड टेप लगी हुई होती है। अब कहानी सुनाना बंद, अब मैं बताता हूँ काम कैसे करते हैं चीजें। ये उसके साथ रिमोट वगैरह आता है, ठीक है, अब वो लगती कैसे है। सबसे पहले 2 ऑप्शन है, वही बताया, एक तो ये जैक है हमारा 12 वोल्ट DC जैक, ठीक है, उसमें ये लग जाएगा, लग गया, तो उससे ये तरीका है एक ऑन ऑफ करने का और कनेक्ट करने का। एक तरीका है इसको काट के पीछे से इसी के हार्डवायर कर दो, तो हम वही तरीका अपनाएंगे। और ये लगाई ऐसे हुई है, इसके यहाँ पे डबल साइडेड टेप होती है और यहीं यहीं पे चिपक जाती है। सेम यहाँ से ऐसे जो पीछे के होते हैं उनको यहाँ यहाँ से निकाल के वायर नीचे भेज दो सीट के, और लग जाती है सीट के नीचे ऐसे,
ये लग गई सीट के नीचे ऐसे इस तरीके से, ठीक है। ये तो है हद बेसिक प्रोसेस कि तारे निकाल निकाल के पिरो पिरो के जहां पे मन करे वहां पे तुम इंस्टॉल कर लो। अब मेन बात की भाई वायरिंग करनी कैसे है, अब वो दिखा देता हूँ मैं आपको। और वीडियो के एंड तक रुकना, आपको रात का भी सीन दिखाऊंगा कि रात को दिमाग लैग मार गया था कि रात को दिखता कैसे है ये। और साथ में इसमें ना ये फीचर भी है कि ना ये साउंड रिएक्टिव है, इसका मतलब ये है कि ना जिस तरीके से गाने चेंज होंगे ट्रेबल बेस जिस तरीके से चीज़ चेंज होंगे गाने में उसी हिसाब से इसकी लाइट की चीज़ें भी चेंज होंगे और ब्राइटनेस वगैरह भी दिखाऊंगा। वैसे मैं रात को दिखाऊंगा, वीडियो के एंड तक वेट करना क्योंकि अभी उजाला है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा तुम क्या क्या कर रहा है। सबसे पहले गाड़ी को तो बंद रखो, ठीक है, और ये तो निकाल ही लेना है। और अगर तुम्हारी ज़्यादा प्रोफेशनली करने की इच्छा ना, अपनी बैटरी के टर्मिनल्स भी डिस्कनेक्ट कर लेना। बस मेरा वो है नहीं इतना हिसाब किताब कि मैं उसको बैटरी के टर्मिनल्स डिस्कनेक्ट करूँ। बस ये वो इसलिए होता है कि अगर तुम शॉर्ट कर दो, शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए होता है वो। अब करना क्या है, मोस्टली गाड़ियों का फीचर अलग अलग होते हैं, अपनी गाड़ी के हिसाब से देखना। बाकी ऑल्टो का बताता हूँ मैं, ये इसको पाड़ दो, ये आ जाता है बाहर, ये पूरा वायर का जंजाल सा दिख जाता है। ये यहीं से ऐसे वायर यहाँ पे पिरो रखी है, ये वहाँ पे भेज रखी है, ये वाली वायर है ये यहाँ पे चिपका रखी है, देखो दिख रहा है, ये डबल साइडेड टेप से चिपका हुआ है यहाँ पे पूरा एंड तक। और ये है इसका कंट्रोलर बॉक्स, इसी के अंदर माइक है जो भी कह लो, और ये है इसका IR सेंसर। अब करना क्या है, ये जो है ना इसको यहीं से काट दो और साथ में अपनी टॉर्च से थोड़ा उस एरिया को रोशन कर लो कि जुम जहाँ पे तुमने काम करना है, वरना तुम्हें दिखेगा नहीं भाई तुम कर कह रहे हो और गलत मलत चीज़ें काट दोगे। ये दिया काट, ये ना रख लेना है, कभी कभी अलग अलग चीज़ों पे काम आ सकता है तुम्हारे लिए, ठीक है, रख लेना इसे। और अब करना क्या है, ये रही वायर, इसके कर लो दो, दो ही निकलेंगी, एक लाल और एक काली की। LED की जो पोलैरिटी होती है वो चल वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बेस पे ही चलती है, LED सारी काम संभालती है अपने पोलैरिटी के बेस पे। इनको अच्छे से रोल करो ताकि ना वायर के लूज स्ट्रैंड्स ना रहें, अगर वायर के लूज स्ट्रैंड्स होंगे तो शॉर्ट होगा, स्पार्किंग होगी और उससे आइटम ख़राब हो सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ये भी है कि जो मेरी पुरानी ये चीज़ ख़राब हुई है, हो सकता है बंदे ने लूज वायरिंग करी हुई हो। वायर की कटिंग हो गई, अब क्या करना है कि ना यहाँ पे देख रहे हो दो टर्मिनल्स हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इनको निकाल लेना है। ये आ गया पॉजिटिव और ये आ गया नेगेटिव। अब यहाँ पे देख रहे हो वायर टेप लगी हुई है, इलेक्ट्रिक टेप, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक टेप लगी हुई है। ये इसलिए लगी हुई है क्योंकि यहाँ पे पिछली जो वायर इंस्टॉल करी थी ना यही वाली, उसका ये यहाँ से उस बंदे ने काटे हैं। तो गाइस करना क्या है कि ना जब तुम वायर ये करो ना छीलो, इसको ना थोड़ा लंबा छीलना, ठीक है, अच्छे से, मतलब कंजूसी ना करना, उसके कारण क्या होगा तुम ना ग्रिप अच्छी बना पाओगे इनके ऊपर। और ये है फैक्ट्री की ओरिजिनल वायरिंग, इसको ज़्यादा ना छीलना छूलना मत, पता लगा निकाल दी बिल्कुल एंड से ही तो नुकसान वाले बात हो जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी तुम करोगे अपने जिम में अपने सिर पे करोगे, अगर कोई डैमेज हुई, ये नहीं कि मेरे को बोलो कि मैं तेरे कहने पे किया हमने, तो वही बेसिक सी चीज़ है, ब्लैक को ब्लैक के साथ, लाल को लाल के साथ, और अच्छे से बिल्कुल टाइट टाइट करके मारो इस पर गांठ। तो अब ये एक कनेक्ट हो गया, अब इसमें मार देनी है काली टेप। अब सेम इसी तरह से रेड वायर के साथ भी कर देना, और ये वायरिंग हो गई बहुत सिंपल सी वायरिंग। और अब करना क्या है, इसको वापस इस टर्मिनल में डाल देना है और इसको इस टर्मिनल में डाल देना, डन। और फिर उसके बाद ये लगा देनी है डब्बी। बेसिकली हमारा 70% काम हो गया इतनी देर में, ये तो हो गया, ठीक है, मोटा मोटा काम। अब आता सबसे बोरिंग काम, ये डिब्बी को फिट करना, कि लोकेशन ढूंढो कहाँ पे लगानी, हर गाड़ी का हिसाब किताब अलग है इस डिब्बी के मामले में। अब मैं सोचा कि अगर मैं तुम्हें बता ही रहा हूँ कि वायरिंग वगैरह कैसे करनी है या सब कर रहा है, तो मैं ये बता देता हूँ कि हमने ये वाला रूट क्यों चुना, हार्ड वायर करने का इसका रूट क्यों चुना। अब देखो अगर ये यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, और हम इसी पे अपना नाच गाना चला रहे हैं कि जो हमारा होता है कि हमने इसी पे लाइट्स लगा दी हैं, और एकदम से मेरा फ़ोन खाली हो गया, अब मुझे चार्ज करना है, नहीं कर सकता, ये हटाओ फिर चार्ज करो। अब दो ही ऑप्शन है, या तो तुम फ़ोन चार्ज कर लो, या तो तुम लाइटें एक्टिवेट कर लो अपनी गाड़ी की। तो अब हमने चुना हार्ड वायर, इसके कारण हम दोनों चीज़ें करेंगे। ये था आज का घंटा ज्ञान।
गाइस फाइनल फिटिंग की तरफ चलते हुए, ये इसकी बैक साइड, ये आईआर सेंसर की बैक साइड, इसे भी टेप लगाएंगे हम, इसलिए डबल साइडेड टेप 3M की यूज़ करिए, क्वालिटी वाला माल यूज़ करो। ये तो होगी इसके ऊपर, अब आईआर सेंसर के ऊपर बिल्कुल छोटी सी इतनी सी लगा दो, अब ये छोटी सी इसके सेंसर के ऊपर लगा दो, ये हो गया टेप का काम, बस टेप का काम खत्म। और गाइस इस डब्बी को ना परमानेंटली फिक्स करने से पहले तुमने ये देख लेना कि तुम्हारी जो ये वाली वायर है ना, जो टर्मिनल से आ रही है, वो कितनी रेंज ऑफ मोशन दे रही है, मतलब कितनी लेंथ है उसकी। और साथ में ये भी देख लेना कि ये जो तुम्हारी आयर की वायर है, अगर उस एक्स वाई जेड जगह से बाहर आ जाएगी, रिमोट दबाओ तो ये पिक कर ले सेंसर, ठीक है। तो अब मैं कहाँ लगाने वाला हूँ, मैं वहीं लगाने वाला हूँ जहाँ इसका पहले जुगाड़ किया था ओरिजिनली। तो मैं क्या करने लगा हूँ, इसमें चिपकाने लगा हूँ यहीं पर पीछे। और साथ में ये कर दिया इसको, बंद, ठीक है। अब ये रहा सेंसर, सेंसर के साथ क्या करा, टेप उतारी और यहीं पे दिया चिपका, एंड गुड टू गो, बस हो गया। तो गाइस मैंने जैसा कि आपको कहा था कि नाइट टाइम लुक दिखाऊंगा, ये रहा गाड़ी का नाइट टाइम लुक, ये रहा रिमोट और ये ब्राइटनेस के अलग अलग मोड्स, मैक्सिमम ब्राइटनेस, जब मैक्सिमम हो जाती है तो ये ब्लिंक करती है, फिर मिनिमम ब्राइटनेस, मिनिमम पे ब्लिंक करी, ये इंक्रीज कर दी, ये कर दी फुल, ठीक है। और इसकी लाइट्स हैं रेड, ग्रीन, ब्लू, वाइट, पर्पल, सियान, येलो, और किया अच्छा ऑरेंज है ये, साउंड रिएक्टिव। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it though. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn, cause you hold the power as long as you're dreaming. There's no way that you make it.